अस्सलाम दोस्तों, मैं मोहम्मद साजिद खान और आपके सामने एक नई वीडियो लेकर आया हूँ। तो ये वीडियो उस बच्चे के लिए जो बच्चे 10th और 12th फेल हो चुके हैं। तो बहुत सारे बच्चे हैं जैसे जामिया से स्टडी करते हैं, या अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से, या BHU से करते हैं, या किसी भी स्कूल से करते हैं। और उनके साथ एक तो उस स्टूडेंट के बारे में बात करेंगे जो 10th 12th में फेल हो चुके, बारे में बात करेंगे जिनका स्कोर कम आया, वो स्कोर अपना ज़्यादा चाहते। देखिए दोस्तों, अगर मान लीजिए आप 10th 12th में फेल हो गए और आप चाहते हैं कि साल को सेव कर लो, जरूरी नहीं है कि आप स्टडी में अच्छे नहीं हो, किसी रीजन से अगर आप फेल कर गए हैं तो ऊपर मैं आपसे बात। जैसे मान लीजिए आपने फेल, आप 10th में फेल करें, आपको डिस्प्ले पे ले चाहिए तो मैं बिल्कुल समझाता हूँ तो ज़्यादा अच्छा से। मान लीजिए दो पार्ट में बात करूँगा, एक तो फेल्ड स्टूडेंट के लिए फेल्ड होंगे, दूसरा लो स्कोर वाले, दोनों के बारे में बात करूंगा। चलिए पहले फेल की बात करूँ। जैसे मान लीजिए कोई बच्चा है 10th फेल कर गया, ठीक है, या 12th फेल कर गया, जब वो फेल कर जाएगा तो उसका वो चाहता है कि मैं अपने ईयर को बचाऊं, के पास मात्र दो ही ऑप्शन है कि अपना साल बचा। इसके लिए ऑप्शन क्या है, एक तो सिक्किम बोर्ड, ठीक है, सिक्किम बोर्ड, और दूसरा NIOS बोर्ड। ये दो बोर्ड से बच्चा अपना साल बचा सकते, सेम ईयर में आपका पेपर हो जाए। सिक्किम ओपन बोर्ड, ठीक है, और NIOS ओपन बोर्ड, ये दोनों बोर्ड से अगर आप एग्जाम देते हैं, अगर आप एग्जाम देंगे तो आपका टेस्ट, मतलब अगर आप टेस्ट एग्जाम को अपना क्रैक कर लेंगे तो आपके पास चांसेस है, आप अपना साल को सेव कर सकते। जैसे दोनों बोर्ड में ज़्यादा चांसेस है आप सेव कर सकते। जैसे सबसे ज़्यादा सिक्किम बोर्ड में तो 99.99% चांस है कि आप अपना साल सेव कर लो। कैसे? क्योंकि इस वाले सेशन में, यानी इस वाले बोर्ड के एग्जाम में ऑनलाइन होता है, ऑनलाइन आप अपना घर पे बैठ कर एग्जाम दे सकते। तो अब इसमें क्या होगा, ऑनलाइन एग्जाम होगा तो ज़्यादा चांसेस आपका, आप अपना आसानी से पास कर सकते, तो ग्रांटेड है 99.99% अच्छा स्कोर भी ला लेते हैं। दूसरा बच्चा क्या है कि NIOS वाले जो बोर्ड वाले हैं, कैसे अपना सेव, वो भी जस्ट लाइक डेट ऐसे ही सेव करेंगे, वो उनको दोबारा एग्जाम देने का मौका मिलेगा। हाँ, उनका सेंटर जाता है, उनको एग्जाम देना, स्टडी करना पड़ेगा, तो वहाँ पे ऑनलाइन तो है नहीं, आप एग्जाम में तब जो अचीव कर पाएंगे, ठीक है। तो ये दो तरीका है जो आप आसानी से चेक कर सकते, साल बचा सकते, ईयर सेव कर सकते। इन दोनों के बारे में अगर आपको फर्दर इंफॉर्मेशन चाहिए, इस वाले नंबर पर व्हाट्सअप करके 7011133974 इस वाले नंबर पर व्हाट्सअप करके फर्दर इंफॉर्मेशन ले सकते, कोई भी अगर डाउट है तो आप अपना डाउट क्लियर। अब हम जो दूसरा पॉइंट है उस पर बात करें, लो स्कोरिंग वाले, लो स्कोरिंग वाले, अब इनका क्या कंडीशन। मान लीजिए कोई स्टूडेंट, अब वो ये चाहता है साइंस चाहिए, ठीक है, मैथ से जाना चाहता है और वो इंजीनियरिंग करना चाहता है, लेकिन उसका 10th में 75% आया हुआ है, लेकिन साइंस सब्जेक्ट में, किसमें, साइंस में 61 से बिलो है, क्या है, 61 से कम है, यानी 59 भी है या 60 भी है, तब भी वो बच्चा क्या है, वो साइंस, ठीक है। उसी तरह कोई बायोलॉजी लेना चाहता है और सेम कंडीशन है, उसका 80% भी आया है, लेकिन साइंस सब्जेक्ट में, यहाँ पे मैथ सब्जेक्ट होगा, साइंस लेने के लिए अगर आप इंजीनियरिंग करना चाहते हो तो मैथ चाहिए, तो मैथ सब्जेक्ट में, साइंस में आपका कुछ भी हो उससे मैटर नहीं करता, मैथ सब्जेक्ट में अगर आपका 61 से कम हो तो आपका मैथ नहीं मिलेगा, और साइंस सब्जेक्ट में अगर 61 से कम हो फिर आपको बायोलॉजी नहीं मिलेगा। जैसे इसमें 59 हो या 57 हो, कुछ भी हो या 60 भी हो, तब भी आपको नहीं मिलेगा, मिनिमम 61 चाहिए। इन दोनों साइंस साइड में, इन दोनों के मान लीजिए क्या क्या एलिजिबिलिटी होता है, एक साइंस सब्जेक्ट में आपका 61 होगा तो आपको बायोलॉजी मिल जाएगा। इसके साथ क्या क्या क्राइटेरिया है बायोलॉजी के लिए, बायोलॉजी के लिए क्या क्या क्राइटेरिया है, इसका सोल्यूशन भी बताऊंगा। साइंस में 61 ओवरऑल 61, ठीक है,
एंड साइंस में 61, ओवरऑल 61 एंड इंग्लिश में भी आपका 61 चाहिए। ये तीनों क्राइटेरिया फुलफिल करेंगे तो बायोलॉजी मिलेगा। इसी तरह आपको अगर मैथ्स लेना है मैथ्स में 61, ओवरऑल 61 और इंग्लिश में भी 61, तब जाके आपको आप अचीव कर पाएंगे, तब जाके आपको बायोलॉजी और मैथ मिलेगा। अगर आप ये अचीव करते हैं, अगर मान लीजिए नहीं आया हो तो आपको नहीं मिलेगा, फिर आपको स्ट्रीम चेंज करना होगा, तो कोई फायदा नहीं है स्ट्रीम चेंज। सोल्यूशन है जब ये हम आपको बताया, सोल्यूशन क्या है, आप सिक्किम बोर्ड से जाइए सिक्किम बोर्ड, ठीक है, या NIOS बोर्ड, दोनों में कोई एक बोर्ड ले लीजिए NIOS बोर्ड, इन दोनों में कोई भी एक बोर्ड से जाते हैं तो आप आसानी से, और इसमें कोई भी डाउट नहीं है, रिजल्ट में कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं है, कहीं भी आपको लगता है जेन्युइन है, कोई फर्जीवाड़ा वाला में नहीं, जेन्युइन है, बिल्कुल 100% दोनों बोर्ड ओरिजिनल है। आप अपने ईयर से इस दो बोर्ड के जरिए, इसके ऊपर अगर फर्दर इन्फॉर्मेशन चाहिए तो जो मैं दिए गए व्हाट्सएप नंबर है उस पर व्हाट्सएप करें, आपको उस पर इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करा दी जाएगी। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। एजुकेशनल अपडेट के लिए जामिया कोचिंग करें। मैं मोहम्मद साजिद खान, दुआ में।